और वर्तमान समय में हैबिचुअल डिसीज बढ़ रहे हैं। डायबिटिक पेशेंट हो उसको रेगुलर मेडिसिन चाहिए, बीपी के पेशेंट हो उसको रेगुलर मेडिसिन चाहिए, हार्ट के पेशेंट हो उसको रेगुलर मेडिसिन चाहिए, कैंसर के पेशेंट हो उसको रेगुलर मेडिसिन चाहिए। ऐसी स्थिति में उसको मेडिसिन का खर्च ज़्यादा न लगे, इसलिए आयुष्मान भारत योजना के जन औषधि केंद्र के द्वारा महाराष्ट्र में और अधिक जन औषधि केंद्र खोला जाएगा ताकि लोगों को सस्ती दवाएं मिले। जन औषधि केंद्र पर मार्केट प्राइस से 50% में और उससे भी कम प्राइस में, लेकिन क्वालिटी मेडिसिन मिलती है। सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन के लिए 1000 तक जन औषधि केंद्र का विस्तार महाराष्ट्र में किया जाएगा ताकि महाराष्ट्र की जनता को, मध्यम वर्ग हो या गरीब वर्ग हो या कोई भी नागरिक हो, जो पेशेंट हो, उसको सस्ती दवा सुनिश्चित हो। इसलिए उस विषय के लिए भी आज हमने डिस्कस किया है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र की जनता का स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य सुविधा के लिए भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को हर संभव मदद की जाएगी। जिस तरह से राज्य में हेल्थ के लिए काम हो रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की तहत अच्छी तरह से कोविड के दरमियान जो यहाँ काम किया गया, उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ। और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिटिकल केयर यूनिट खोला जाएगा। 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट में ऑक्सीजन की सुविधा होगी, वेंटिलेटर की सुविधा होगी, ऑल टाइप ऑफ क्रिटिकल ट्रीटमेंट हो पाए ऐसी सुविधायुक्त क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए भी भारत सरकार आर्थिक सहयोग करेगा। महाराष्ट्र की सरकार हेल्थ सेक्टर में प्रो एग्रेसिव काम कर रही है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। धन्यवाद। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हमने 2-स्तरीय व्यवस्था की है। सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को हमने स्पोक के रूप में डेवलप किया है और मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको हब के रूप में डेवलप किया है ताकि टेली कंसल्टेशन के द्वारा कोई गरीब मरीज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आ गया हो और उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एग्जामिन करके वहाँ के डॉक्टर को लगे कि उसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या तो उसका सुझाव की आवश्यकता है, तो वहाँ ही वो टेली कंसल्टेशन के द्वारा सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ जुड़ जाएंगे। वहाँ से ही उसको मार्गदर्शन मिल जाएगा और उससे फायदा ये होगा कि कोई गरीब पेशेंट को सामान्य सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बताने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर नहीं आना पड़ेगा। उससे उसका खर्च की बचत होगी, मजदूर है तो उसको काम भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको ट्रीटमेंट सुनिश्चित हो। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत देश में टेली कंसल्टेशन का व्याप बढ़ रहा है। डेली 3-4 लाख टेली कंसल्टेशन हो रहा है, आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। महाराष्ट्र में भी ये व्यवस्था सुदृढ़ता से आगे बढ़ रही है। भारत सरकार अपेक्षा रखती है, चाहे भारत सरकार का पैसा हो या स्टेट गवर्नमेंट का पैसा हो, पैसा किसी का भी हो, लेकिन जिस हेतु के लिए ये पैसा दिया गया हो या तो ये पैसा आवंटित किया हो, उसका अच्छी तरह से उपयोग होना चाहिए। और अच्छी तरह से उपयोग नहीं हुआ हो, उसका मिसयूज़ हुआ हो, तो उसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, तपास भी होनी चाहिए और कार्यवाही भी होनी चाहिए। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि
कोई सीएजी की रिपोर्ट भी आई है और उसी के आधार पर अभी जांच भी चल रही है। मैं कोविड के कार्यकाल का कोई विषय पर पॉलिटिक्स करना नहीं चाहूँगा। उस वक्त भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने जो मांगा सारा सहयोग किया था और अपेक्षा रखी थी कि उसका बेस्ट से बेस्ट इम्प्लीमेंट करे, और उसमें किसी को भी कचास रखी हो तो उसके सामने कार्यवाही होनी ही होनी चाहिए। सिर्फ आपको मतलब आपने इन्होंने की हुई बात पूरी सुनी नहीं इसलिए आपने ऐसा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि उस समय भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अच्छा काम हुआ, ये मंत्री जी ने कहा था, इसलिए आप उसको जनरलाइज मत कीजिए। आज की जो मीटिंग हुई है इसको लेकर महाराष्ट्र प्रशासन की किस तरह से तैयारियां होंगी, क्योंकि केंद्र से भी आपको एक अच्छा समर्थन हासिल है। मैं पहलंदा माननीय मनसुख भाई मांडविया केंद्रीय आरोग्य मंत्री यांचे आभार मानतो की एक अतिशय चांगली बैठक आज आरोग्य क्षेत्राकरता त्यांनी घेतली आहे। विशेषतः प्रधानमंत्री जनारोग्य योजना आणि महात्मा फुले जनारोग्य योजना या दोन योजनांना एकत्रित करून महाराष्ट्रातल्या संपूर्ण 12 कोटी लोकांना आता आम्ही 5 लाखापर्यंतचा इलाज मुफ्त देण्याचा निर्णय या ठिकाणी केलेला आहे। त्यामुळे युनिव्हर्सलायझेशन ऑफ हेल्थ केअर हे पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये होत आहे आणि त्याच्यामध्ये केंद्र सरकार देखील वाटा उचलत आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रावरचा एक भार त्या माध्यमातून कमी होणार आहे। यामध्ये हॉस्पिटलची संख्या आम्ही वाढवतो आहोत। केंद्र सरकार आमच्या जुन्या योजनेमध्ये 950 केवळ आजार होते, केंद्र सरकारच्या योजनेमध्ये 1900 आजार आहेत, त्यामुळे आता आम्ही देखील पूर्ण 1900 आजारांना आमच्या यादीमध्ये समाविष्ट करतो आहोत। आणि त्यासोबत प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये को ब्रँडेड क्योस्क हा त्या ठिकाणी असेल, जिथे कोणीही पेशंट जाऊन आपल्याला काय उपचार पाहिजे आहेत त्या संदर्भातले कागदपत्र तयार करू शकेल, म्हणजे त्याच्याजवळ त्यावेळेस कार्ड नसलं तरी देखील तो जाऊन त्या ठिकाणी तात्काळ त्याचं कार्ड तयार होईल आणि त्याला त्यातनं आरोग्य सेवा मिळेल। त्यामुळे मला असं वाटतं की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल, 12 कोटी लोकांना 5 लाखापर्यंत मोफत इलाज देण्याच्या संदर्भात आज या ठिकाणी आपण उचललेलं आहे आणि आपण त्याची घोषणा बजेटमध्येही केली होती, आता कॅबिनेटचा निर्णय देखील येतोय, पण त्याच्यामध्ये केंद्र सरकारचा एक मोठा वाटा आपल्याला मिळतोय, ज्याच्यामुळे महाराष्ट्र सरकारवर जो आर्थिक बोजा आहे तो कमी होणार आहे। यासोबत या ठिकाणी हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्याकरता केंद्र सरकारच्या योजनेतनं 3000 कोटी रुपये आम्हाला केंद्र सरकारने दिलेत, आम्ही 6000 कोटी रुपयाचे त्या ठिकाणी प्रपोजल दिले आहेत। तर त्या संदर्भात देखील माननीय मंत्री मोदींनी सांगितलं की जर तुम्ही वेळेत पैसे खर्च करणार असाल तर आम्ही उर्वरित पैसे देखील तुम्हाला द्यायला तयार आहोत। यामुळे मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागामध्ये हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्याकरता केंद्र सरकारची एक मोठी मदत मिळणार आहे। आमचा प्रयत्न असा असणार आहे की आता को ब्रँडेड कार्ड जे आम्ही देतो ज्याच्यामध्ये केंद्राची योजना आणि राज्याची योजना, तर आमचा प्रयत्न असेल की ऑगस्टमध्ये किमान 1 कोटी लोकांना हे कार्ड मिळालं पाहिजे आणि येत्या 6 महिन्यामध्ये 10 कोटी लोकांपर्यंत हे कार्ड आम्हाला देता आलं पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रयत्न आमचा असणार आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की आजची जी बैठक आहे ही खूपच महत्त्वपूर्ण झाली आहे आणि आमचे जेवढे प्रश्न होते हे सगळे प्रश्न त्याच ठिकाणी माननीय केंद्रीय मंत्र्यांनी निकाली काढल्यामुळे आता या योजनेमध्ये गती आणण्याकरता आम्हाला अतिशय मोलाची मदत होणार आहे। नाही, असं आहे की पहिल्यांदा तर ते जे आपण महामंडळ केलं आहे त्याचं कारण असं आहे की
राज्याचे वेगवेगळे विभाग हे त्या ठिकाणी औषधं खरेदी करतात आणि अनेक वेळा लक्षात येतं की वेगवेगळ्या रेटवर त्याची खरेदी होते, वेगवेगळ्या पद्धतीने खरेदी होते आणि म्हणून सगळी खरेदी एकत्रित आणण्याकरता हे महामंडळ केलंय। आता त्याची सुरुवात देखील झाली आहे, लवकरच ते पूर्णपणे त्या ठिकाणी कारगर होईल। आणि यासोबत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्याकरता आपल्याकडे पीडब्ल्यूडी विभागही आहे। आता पीडब्ल्यूडी विभागाच्या अंतर्गत आपण एक महामंडळ देखील तयार केलंय की जे रोड्सच्या व्यतिरिक्तचं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करू शकणार आहे, त्यामुळे आता याला आपल्याला गती देता येईल। देखिए, मैं सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर इस प्रकार की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इस योजना को महाराष्ट्र में इफेक्टिवली लागू करने के लिए जो हमारे सामने समस्याएं थी उनको एक प्रकार से छुड़ाने का काम आज मंत्री महोदय जी ने किया है और हम लोगों ने तय किया है केंद्र की योजना और राज्य की योजना दोनों योजनाएं 5 लाख तक का अभी कवर देने वाली है, इनको हम एक साथ मिलाएंगे तो राज्य सरकार के ऊपर जो फाइनेंशियल बोझा होता है वो कम होने वाला है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार करीब 1900 एलिमेंट्स को इसमें कवर करता है, हम केवल 950 को करते थे तो हम लोग अब राज्य की योजना में भी करीब 1900 अलग अलग प्रकार के जो रोग है उनको कवर करेंगे तो सारी योजनाएं सरीकी हो जाएंगी और लोगों को ब्रांडेड कार्ड हम लोग देंगे। हर हॉस्पिटल में एक ब्रांडेड कियोस्क रहेगा जहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर अगर उसके पास कार्ड भी नहीं है तब भी वो वहां जाकर अपना कार्ड बना पाएगा और ये सारी चीजों का पूरा खर्चा ये केंद्र सरकार हमको दे रहा है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने हमको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए एक 3000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। हमने आज मंत्री जी से निवेदन किया कि हमने इसमें जो प्रोजेक्ट सबमिट किया है वो करीब 6000 करोड़ का है, तो मंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि आप अगर समय पर पैसा खर्च करोगे तो जितना पैसा आप मांगोगे उतना भारत सरकार आपको देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भी बहुत तेजी से काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो ब्रांडेड कार्ड है इसको भी तेजी से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हमारा होगा और हम प्रयास करेंगे कि अगस्त के महीने में कम से कम 1 करोड़ लोगों को हम ये ब्रांडेड कार्ड दें। जैसा आप सब जानते हैं कि पहले हमारी जो योजना थी ये योजना चंद लोगों के लिए थी, लेकिन अब महाराष्ट्र की नई सरकार ने इस योजना का यूनिवर्सलाइजेशन किया है और अब पूरे 12 करोड़ लोगों को 5 लाख तक हम लोग ये हेल्थ केयर फ्री दे रहे हैं और इसमें केंद्र सरकार के मदद के कारण अब हमारे ऊपर जो आर्थिक बोझ है वो भी बहुत कम होने वाला है। इसलिए मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो इतना ही कहूंगा, इन्होंने नाम तो दिया है मोदी हटाओ का, लेकिन ये जो गठबंधन हो रहा है ये परिवार बचाओ का गठबंधन है। सारी परिवारवादी पार्टियां एक साथ मिलकर अपने परिवार को बचाने के लिए गठबंधन कर रही है और मैं तो देखकर इस बात पर अचंभित भी हूं कि जो उद्धव ठाकरे जी रोज हम पर तंज कसते थे कि आप लोग महबूबा मुफ्ती के साथ गए, आप महबूबा मुफ्ती के साथ गए, अभी वो महबूबा मुफ्ती जी के बाजू में बैठकर अलायंस करने की बात वहां पर कर रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर ये सारी पार्टियों के ध्यान में आया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल में जो काम किया है, जब वो चुनाव के लिए जाएंगे उस समय भारत उनके पीछे पूरी ताकत से खड़ा होने वाला है और इसलिए
अपनी परिवारवादी पार्टियों को और अपने परिवार को सत्ता देने के लिए ये सब लोग एक प्रयास के रूप में एकत्रित आ रहे हैं। लेकिन ऐसा ही प्रयास 2019 में भी इन्होंने किया था, कोई फायदा नहीं हुआ। 2024 में भी इसका फायदा नहीं होने वाला है। लोग मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये बहुत अच्छे तरीके से और पिछले बार से भी ज्यादा सीटें लेकर चुनकर आएगा, ये मेरा विश्वास है। खरं म्हणजे पाटण्याला जी बैठक आहे ती मोदी हटाव बैठक नाही आहे, परिवार बचाव बैठक आहे। सगळ्या परिवारवादी पार्ट्या एकत्रित आल्या आहेत आणि आपला परिवार कसा वाचू शकेल आणि आपल्याच कुटुंबाकडे कशी सत्ता राहू शकेल याकरता हे सगळे लोक एकत्रित आले आहेत। कारण यांच्याकरता या ठिकाणी राज्य चालवणं हा धंदा आहे, हे त्यांचं प्रोफेशन आहे आणि भारतीय जनता पक्षाकरता आणि मोदीजींकरता ती सेवा आहे। आणि म्हणून मागच्याही काळामध्ये 2019ला या सगळ्या लोकांनी एकत्रित येऊन पाहिलं, पण जनता ही मोदीजींच्याच पाठीशी आहे। आणि आता तर 2024 मध्ये मागच्या वेळेपेक्षाही जास्त ताकदीने जनता मोदीजींच्या आणि एनडीएच्या पाठीशी उभी राहील। त्यामुळे अशा प्रकारचे कितीही मेळावे यांनी केले तरी देखील मला वाटत नाही की त्याचा काही परिणाम होईल। पण एका गोष्टीचं मला आश्चर्य वाटतं की सातत्याने मेहबूबा मुफ्तीच्या नावावर भारतीय जनता पक्षाला टोमणे मारणारे उद्धव ठाकरेजी आता मेहबूबा मुफ्तीसोबत तर चाललेच आहे पण त्यांच्या बाजूलाच बसले आहेत। त्याच्यामुळे सत्तेकरता आणि परिवार वाचवण्याकरता, परिवारवादी पार्टी वाचवण्याकरता सगळ्या प्रकारचे कॉम्प्रोमाइजेस करण्याकरता हे तयार आहेत, पण याचा कुठलाही परिणाम होईल असं मला बिलकुलच वाटत नाही। या संदर्भात सगळी माहिती ईडी आपल्याला देईल, माझ्याकडे काही त्यातली सगळी माहिती नाही, त्यामुळे त्या संदर्भात मी आता काही बोलणार नाही। मला स्पष्टपणे असं वाटतं की कुठल्याही अधिकाऱ्यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होणार नाहीये। मात्र शेवटी जर एखादा घोटाळा घडलाय तर त्याची माहिती देताना किंवा त्याची माहिती घेताना काही अधिकाऱ्यांना बोलवावं लागेल, त्यांच्याकडनं माहिती घ्यावी लागेल, काहींची चौकशी करावी लागेल। शेवटी घोटाळा तर घडलाय, ते दिसून पडतंय। आणि कोविडच्या काळामध्ये इतका मोठा घोटाळा करणारे म्हणजे ज्यांनी प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाल्लेलं आहे अशा लोकांना सोडून तर देता येणार नाही। त्यामुळे आता त्या संदर्भात जी काही चौकशी आहे ती चौकशीच्या पद्धतीने होईल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।